रविंद्र सिंह भाटी, उमेदाराम बेनीवाल और सचिन पायलट, हरीश चौधरी, ये चार पांच ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं बार 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 इस लोकसभा चुनाव में सुनने को मिल रहे हैं। 26 साल का एक युवा बहुत लोगों के लिए चिंता का सबब बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चिंता का सबब भीड़ की वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी, ये आज तक भी एक सवाल है, लेकिन क्योंकि शिव में हो पाई तो यहां पर भी हो जाएगी, ऐसा लोगों का अनुमान है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, इस बेसिक को ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी से परेशानी बढ़ती जा रही है। भीड़ तो लेकिन सचिन पायलट के कार्यक्रमों में भी आ रही है, लेकिन उस भीड़ में लोगों का ये भी सोचना है कि सचिन पायलट को कांग्रेस तवज्जो तो देती नहीं, मुख्यमंत्री तो बनाती नहीं, बड़े पद भी देती नहीं, तो इन पर भरोसा करके भी आगे भविष्य क्या होना है ये कहीं ना कहीं उनको पता होता है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्रफल के साथ आने वाला बाड़मेर जैसलमेर का लोकसभा क्षेत्र लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से टूटे, कांग्रेस के साथ जुड़े उमेदाराम बेनीवाल भी यहां पर बहुत कुछ करते जा रहे हैं। हालांकि कैलाश चौधरी के लिए पीछे से आरएसएस, आगे से भाजपा के मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री लगातार बाड़मेर में काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर बागेश्वर धाम भी अपना वहां पर पूरी तरह से काम दिखा रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा ये 4 जून को तय होगा। पर ये सियासत कितनी दिलचस्प हो रही है ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। रविंद्र सिंह भाटी, सचिन पायलट और बाड़मेर कर रहे हैं इन चुनावों में बड़ा खेल। क्या है ये खेल, इसे समझने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कीजिए। कैसे रविंद्र भाटी ने कांग्रेसियों की नींद उड़ा दी, देखिए समझने वाली बात है। एक तरफ बाड़मेर जैसलमेर में जाट बनाम जाट की सियासत हो रही थी, उमेदाराम बेनीवाल भी जाट हैं और कैलाश चौधरी भी जाट हैं, और ऐसे में भाजपा का जो परंपरागत वोट था वो राजपूतों का था, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाजपा के साथ रहने वाला है। रविंद्र सिंह भाटी भी आए और वहां पर भी कुछ वोट शिफ्ट होता दिखा, लेकिन फिर भी मन में ये बात थी कि रविंद्र सिंह भाटी जीत भी जाते हैं तो बाद में भी भाजपा में आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की नींद ऐसे उड़ रही है कि जाट समाज जो है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। उमेदाराम बेनीवाल पर उतना भरोसा नहीं कर रहा जितना पहले करा करता था, क्योंकि वो आरएलपी छोड़कर, हनुमान बेनीवाल को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। हनुमान बेनीवाल के साथ जिन्होंने बेवफाई की, क्या जाट समाज उतनी तवज्जो उस इंसान को देगा जितनी उनके साथ रहते हुए दी थी, ये वाकई एक बड़ा सवाल बन रहा है। और इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की नींद उड़ती जा रही है। नींद इसलिए भी उड़ रही है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के आगे जाकर बाकी जो कांग्रेस के वोट बैंक थे उनको भी अपनी तरफ लेने में कामयाब हो रहे हैं, और कांग्रेस अपने ही जाल में फंसती जा रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी भारी पड़ेंगे रविंद्र सिंह भाटी पर, या फिर वो उमेदाराम बेनीवाल की उम्मीदें बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की वहां रैली होनी बाकी है। अक्सर चुनावों में जो काम हुआ करता है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने के बाद माहौल बदल सा जाया करता है, इसलिए सवाल ये उठता है कि मोदी भारी पड़ेंगे क्या रविंद्र सिंह भाटी पर, और क्या उमेदाराम बेनीवाल की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बाड़मेर में रोज प्रतिरोज हर दिन माहौल जो है वो बदल रहा है, वोटर अपने दिमाग में क्या लेकर चल रहा है ये बदल रहा है, लेकिन आखिरकार माहौल तो मतपेटियों में ही दर्ज होगा, ईवीएम में ही दर्ज होगा,
क्या होता है उसमें देखने वाली बात होगी। वहीं बायतू में जो हरीश चौधरी का गढ़ है वहां पे शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों ने पूरी तरह से रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब कांग्रेस अपनी भभूति मान के चलती है, वो भी अब रविंद्र सिंह भाटी के साथ आ रहे हैं। देखने में 26 साल के हैं रविंद्र सिंह भाटी, लेकिन राजनीतिक समझ में हरीश चौधरी पर भी क्या वो भारी पड़ रहे हैं, इस बात से कहीं ना कहीं हरीश चौधरी से लेकर हेमाराम चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा तक चिंतित हो रहे हैं कि इतना छोटा सा लड़का उम्र में उन सब की राजनीति को चुनौती लगातार दे रहा है। कांग्रेस हमेशा से जातिगत बंटवारा चाहती है, उनका जो परंपरागत वोट बैंक हो वो उनसे खिसके ना, लेकिन जनता जो है वो जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है। लेकिन बीजेपी ने कभी भी हार नहीं मानी, बीजेपी ने जान लगा दी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैंप कर रहे हैं वहां पर, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि पाला पूरी तरह से बीजेपी की साइड रहे और वहां पर बागेश्वर बाबा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सब लोग पूरी तरह से वहां कैंप कर रहे हैं और माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जान लगा दी है बीजेपी ने, ये पूरी तरह से दिख रहा है। वहीं अगर लोकसभा चुनावों के दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो दौसा भी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुरारी लाल मीणा के समर्थन में सचिन पायलट दौसा जा रहे हैं। आप जानते हैं दौसा राजेश पायलट की भी भूमि रही है, सचिन पायलट का भी खासा लगाव रहा है और मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट की टीम के सदस्य हैं। लोकप्रियता उनकी बढ़ाने में कोई कोर कसर सचिन पायलट छोड़ नहीं रहे। सचिन पायलट का साथ जिंदगी भर देने का वादा किया था ओम प्रकाश हुड्डा ने भी। तो समझ में ये चीज आती है कि कांग्रेस में सचिन पायलट के जाने से लोग सुनने तो ज्यादा आते हैं, भीड़ तो बहुत बन जा रही है, लेकिन वो वोटों में तब्दील होगी नहीं, इस पे शक इसलिए है क्योंकि लोगों को पता है एक बार बहुत बड़ा धोखा खा चुके। ये कांग्रेस ऐसी है जो गलत करने वाले अशोक गहलोत का हमेशा साथ देती है, चाहे वो 25 सितंबर को पूरी आलाकमान से बगावत कर ले, लेकिन उनका साथ देती है, सही करने वाले सचिन पायलट के कभी साथ नहीं आती। जो कांग्रेस सचिन पायलट को सिर्फ एक मोहरा बनाती है चुनाव में, कैंपेन कमिटी में भी जगह नहीं देती, वो आगे क्या करेगी ये जनता जानती है। और कहीं ना कहीं यही शायद वजह है कि सचिन पायलट खुद नहीं खड़े हुए। राजस्थान की राजनीति में कई तमाशे हो रहे हैं, तमाशे देखने वाले हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय रोने भी लग जाते हैं, लोग कहते हैं बड़े कलाकार हैं वो, बहुत तैयारी करके आते हैं, लेकिन सही बात ये भी है कि कांग्रेस उनके सामने कुछ खास कर नहीं पा रही। बाप से जो उन्होंने गठबंधन किया था वो प्रत्याशी भी गायब हैं और बसपा ने पूरी तरह से अपने उम्मीदवार को यहाँ पे गद्दार बता दिया है। क्या लाल सिंह राठौड़ गद्दार हैं ये भी एक सवाल है, क्योंकि चुनाव लगातार जो है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा है कि रविंद्र सिंह भाटी क्लब में लड़कियों से डांस किया करते हैं, लड़कियों के साथ डांस किया करते हैं। क्योंकि असल में बात यह हो रही थी, गोविंद सिंह डोटासरा के नाच नचौवल पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन होकर हर जगह वो नाचते हैं, हर रैली में नाचते हैं, गंभीरता नहीं दिखती है। तो उन्होंने जो विवादित बयानों के मास्टर हैं उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को कह दिया ये तो लड़कियों के साथ क्लब में नाचते हैं। इस तरह की अभद्र टिप्पणी से की शिकार हमारी राजनीति होती जा रही है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा पुरोधा रहे हैं विवादित और अभद्र टिप्पणियों के, वो उन्होंने एक बार फिर से की है। इन आरोप प्रत्यारोप से हो रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी और भी ज्यादा मजबूत। देखिए नेता की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बेवकूफ समझ लेते हैं जनता को, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में जनता इतनी इन्फॉर्म्ड है कि वो बेवकूफ बनती नहीं है और इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा के ऐसे आरोप रविंद्र सिंह भाटी को और मजबूत बना रहे हैं, कांग्रेस के लिए और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हालांकि परेशानी तो खुद गोविंद सिंह डोटासरा है जो अपने इलाके सीकर से कांग्रेस को खड़ा ही नहीं कर पाए और गठबंधन को सीट दे दी।
जो मालवीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिस सीट से आते हैं वहां पर भी कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पाए, ऐसे तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं जो खुद कांग्रेस के लिए परेशानी हो वो तो परेशानी ही खड़ी करेगा। तो ये थे तमाम सारी दिलचस्पी लोकसभा चुनाव की जो बढ़ती जा रही है। क्या कुछ आपका कहना है क्या नहीं, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।